नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। अब बात करेंगे शाहजहांपुर की दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर के सबसे सुपर फास्ट बुलेटिन की। सेरामऊ दक्षिणी पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सीओ उर्फ अखिलेश है, जो कि इलाके के दारापुर चटिया गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि सीओ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहा था, जिसके बाद आज पुलिस ने सीओ को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए सीओ उर्फ अखिलेश को जेल भेज दिया है। तेलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि जहां इमरजेंसी वार्ड में तैनात कर्मचारी वार्ड का काम छोड़कर अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मरीज निजी डॉक्टरों के यहां इलाज करवाने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस ने टॉप 10 बदमाश गौरव गुप्ता उर्फ विवेक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। टॉप 10 बदमाश के पास एक नाजायज तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। गौरव रौसर कोठी इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने गौरव के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि गौरव के खिलाफ इससे पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके के रिलायंस गेट के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसका नाम लालू वर्मा है। पुलिस ने लालू के पास से एक नाजायज चाकू बरामद किया है। पुलिस ने लालू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे भी जेल भेज दिया है। तेलहर इलाके में खनन माफिया लगातार सक्रिय है। यहां दिन दिहाड़े माफिया बालू का खनन करने में जुटे हुए हैं। आरोप है कि खनन का काला कारोबार पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से ही किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन की शिकायत कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, लेकिन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते खनन माफिया दिन दिहाड़े युद्ध स्तर पर खनन करने में जुटे हुए हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक जुआरी को गिरफ्तार किया है। जुआरी के पास से ताज के पत्ते और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किया गया जुआरी सईद अंटा चौराहा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सईद को जेल भेज दिया है। तेलहर नगर में एक बार फिर से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल रही है। यहां सरकारी अस्पताल के पास नाला गंदगी से पटा हुआ है। नाले में गंदगी होने के कारण यहां मच्छर पनप रहे हैं, जिसके चलते यहां संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं नगर पालिका प्रशासन तेलहर नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था का दावा कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में फेल साबित हो रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बाद भी पालिका प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। थाना गड़ियारंगीर पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राजपाल रपरिया नवादा गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने राजपाल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाहजहांपुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना गड़ियारंगीन और सदर बाजार पुलिस ने एक एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं थाना अल्लागंज और सेरामऊ दक्षिणी पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक एक नाजायज चाकू बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। आज तेलहर कोतवाली में होमगार्डों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज में आयोजित हुए भव्य कुंभ मेला के दौरान ड्यूटी का निर्वहन करने वाले होमगार्डों को सम्मान दिया गया। आज कोतवाल दीपक शुक्ला ने जिम्मेदारी से ड्यूटी का निर्वहन करने वाले होमगार्डों को मेडल पहनाते हुए प्रशस्ति पत्र सौंपा। शाहजहांपुर पुलिस ने कच्ची शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से कार्रवाई करते हुए 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 240 लीटर अवैध शराब
और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से बरामद की गई लहन को नष्ट करा दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।